अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लाल मिर्चों की चटनी, जो हर खाने का मज़ा दुबाला कर देगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और ये चंद कलियाँ लहसुन की हैं और साबुत जीरा। जीरे और लहसुन की खुशबू आने लगी है तो ये 10-15 लाल मिर्चें हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी हमने। मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लहसुन ज़रा कम था, तो इसलिए मैं कम ही बना रही हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और अब इसमें हम थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, हसबे जायका नमक और कश्मीरी लाल मिर्ची ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। और बस अब हमने कुछ नहीं करना। अब ब्लेंडर जार में डालकर मैंने इसको पीस लिया है और आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल ज़रा इस तरह से मोटा मोटा आपने पीसना है। और दोस्तों ये मज़ेदार सी लाल मिर्चों की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको हर खाने के साथ एंजॉय करें। सुबह नाश्ते में पराठों के साथ इसको खाएं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।